नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। देहरादून में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बुधवार यानी कल पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। कल दोपहर 2:30 में देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त कैसा माहौल है, चलिए आपको दिखाते हैं। एक बाइट तो करा दो। ये जो आपने तस्वीरें देखी वो मुख्यमंत्री आवास की थी। इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में भी कल के कार्यक्रम को लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी में संत भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शामिल हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके का माहौल रहा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मंजीत नेगी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ लेंगे और मंगलवार देर शाम उनके नाम की घोषणा होने के बाद, विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद, उनके अगर इस घर की बात करें जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ पर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। उनके तमाम समर्थक बड़ी संख्या पर वहाँ पर मौजूद हैं। उनको बधाई देने का सिलसिला होली और दिवाली का माहौल यहाँ पर है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। बधाई का सिलसिला आप देखिए किस तरह से चल रहा है और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर एक बड़ा भरोसा जताया है। उनकी बड़ी हार के बावजूद उनको ये जिम्मेदारी दी है और बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी,